हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कुछ दिनों पहले मैंने Redmi Note 7 Pro का MIUI 12 के अपडेट का एक वीडियो बनाया था। जैसा कि आप जानते हैं, वो उस टाइम पे पायलट टेस्टर यानी बीटा टेस्टर्स के लिए था। बट अब जो है ये अपडेट जो है पब्लिकली रिलीज हो चुका है, बट काफ़ी लोगों को जो है अभी भी जो है अपने MIUI 11 के फ़ोन के ऊपर जो है MIUI 12 का अपडेट जो है देखने को नहीं मिला। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस टाइम पे हम MIUI 11.0.2.0 के ऊपर हैं और हम चेक फॉर अपडेट्स करते हैं तो हमें कोई भी अपडेट जो है देखने को नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है आप ऑफिशियल मेथड के थ्रू जो है अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं और MIUI 12 का जो OTA अपडेट है उसको अपने 11.0.2.0 के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इसके लिए ना आपको फोन का बूटर अनलॉक करना है, ना रूट करना है, ना कोई कस्टम रिकवरी चाहिए। ये एक ऑफिशियल मेथड है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिल जाएंगे। अब वो दो लिंक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले वो क्या मतलब है उनका। अगर आपने सिस्टम अपडेट में जाएं, अगर आप MIUI 11.0.2.0 के ऊपर हैं, आप ध्यान रखें, अगर आप 11.0.2.0 के ऊपर हैं तो आपने OTA वाली फाइल, जो छोटी फाइल है 700 MB के आसपास की, आपने उसको डाउनलोड करना है, क्योंकि 11.0.2.0 का जो OTA अपडेट है उसकी फाइल अलग है। अगर आप किसी और वर्जन पे हैं, 11.0.2.0 पे नहीं है, किसी और वर्जन पे हैं, पुराने वर्जन पे, देन आपको फुल रोम जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जो OTA फाइल जो इस टाइम पे है वो सिर्फ 11.0.2.0 के लिए है। तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, जिसको मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी वो फाइल है। तो ये देखिए, ये वो फाइल है MIUI ब्लॉक OTA वॉलेट इन ग्लोबल 11.0.2.0 से 11.0.1.0 पे zip फाइल पे जाने के लिए। और हम ये भी चेक करेंगे हमारा डाटा जो है डिलीट होता है कि नहीं, हमने एक फोटो जो है क्लिक कर रखी है तो हम देखते हैं हमारी फोटो सूरज जो है डिलीट होती है कि नहीं अपडेट करने के बाद, ताकि हमको ये भी पता चल जाए कि हमारे फोन का जो डाटा है वो सेव रहता है कि नहीं रहता है। तो सिंपली आपने क्या करना है, अब अपडेट करने के लिए सेटिंग्स पे जाएंगे, अबाउट फोन पे टैप करेंगे, सिस्टम अपडेट पे टैप करेंगे, यहाँ पे आपको अपडेट देखने को नहीं मिलता है। तो जो आप MIUI 11 का जो लोगो है उसके ऊपर 8 से 10 बार टैप करेंगे, आपको लिखा है एडिशनल अपडेट फीचर्स आर ऑन। अब सिंपली आप मेनू के ऊपर जाइए, यहाँ पे ऑप्शन है चूज अपडेट पैकेज, इसको सिलेक्ट करेंगे और जो आपने फाइल जो सेव की है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है इनेबल्ड होना चाहिए, क्योंकि ये सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, और आपको मैसेज आएगा योर डिवाइस विल रीबूट ऑटोमेटिकली टू वर्जन 12.0.1.0 फ्रॉम 11.0.2.0 की। हम OTA फाइल को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है 11.0.2.0 की OTA फाइल थी। तो रीबूट एंड अपडेट कर देते हैं। अब इसको डिब्रिकिंग करेगा और उसके बाद जो है आपका फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली जो है रीबूट होगा और जो फ्लैशिंग प्रोसेस है आपका मी रिकवरी के थ्रू वो अपने फ़ोन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ये एक ऑफिशियल मेथड है, तभी ये चूज अपडेट का पैकेज जो है आपको अपने अपडेटर ऐप में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये देखिए, फ़ोन हमारा जो है स्विच ऑफ हो चुका है, अब एकदम से आपका फ़ोन जो है ऑन होगा और जो यहाँ पे फ्लैशिंग प्रोसेस जो है नहीं अपडेट प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका होगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा आया है अपडेटिंग MIUI डोंट टर्न ऑफ योर डिवाइस। तो ये देखिए 14% जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, ये 100% तक कंप्लीट होगा और उसके बाद जो है आप आपका फोन जो है MIUI 12 के साथ अपडेट हो जाएगा। तो ये एक ऑफिशियल मेथड है। तो अब इसको हम थोड़ी देर अपडेट होने देते हैं और चेक करते हैं कि हमारा फोन जो है अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि MIUI 12 के जो Redmi Note 7 Pro का जो अपडेट आया है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां से आप उसको जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसको वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, फाइनली हमारा जो है फोन जो है रीबूट हो चुका है और MIUI 12 जो है सक्सेसफुली हमारे फोन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है और ऊपर आपको लिखा भी आया है अपडेटेड MIUI सक्सेसफुली। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सेटिंग्स पैनल में। ये देखिए, सेटिंग्स पैनल में जाते हैं हम, अबाउट फोन, MIUI वर्जन 12.0.1.0 इंडिया स्टेबल वर्जन है, एंड्रॉइड वर्जन 10 के ऊपर मिलता है, एंड सिक्योरिटी पैच आपको 1st August 2020 का इसके अंदर देखने को मिलता है। अब चेक कर लेते हैं जो फोटोग्राफ हमने जो कैप्चर की थी वो इसके अंदर है कि नहीं, जिससे हमको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारा डाटा जो है डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फोटोग्राफ जो है हमारी एज इट इज़ वैसी है, तो कोई भी डाटा जो है हमारे फ़ोन से डिलीट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप अपने Redmi Note 7 Pro, जिसको आपको MIUI 12 का अपडेट नहीं मिला है अभी तक, उसको जो है अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, जिससे हमको आपका सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।